नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा, लगातार आवारा पशु जो हैं रोड पर घूम रहे हैं, जिनकी वजह से आए दिन हादसा बना रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि पशु जो हैं, देखने को ये मिलता है कि उनके लिए कई सारे धर्मशाला गौशाला तो खोले गए हैं, लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि वहाँ पर इनके लिए अगर दाना पानी और चारा नहीं होगा तो ये आखिर में जाएँ तो जाएँ कहाँ। ये जब रोड पर निकलते हैं तो कभी भी किसी के साथ भी दुर्घटना घट जाती है। इसी को लेकर के विवेक, जो कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा यहाँ पर आज जिला पंचायत के अंतर्गत जो एक ग्राउंड है, यहाँ पर जो पार्क है, वहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी मवेशी जो हैं, लगभग 100-150 की संख्या में यहाँ पर लाए गए हैं, जो आप लोगों को दिखाई देगा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो ग्राउंड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस ग्राउंड में, इस पार्क में जो है, तो मवेशियों को डाला गया है, बेड़ा गया है। लेकिन क्या असली वजह है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये भी हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि असली वजह क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि आए दिन जो है आवारा पशु क्यों रोड पर घूम रहे हैं, ये भी जानेंगे हम इनसे। क्या मैटर है आप इतने सारे मवेशियों को लेकर यहाँ? देखिए, पशुओं को लेकर कहा जाए तो बहुत बड़ा मैटर है, पूरे देश का मामला है, कोई सीधी जिले का मामला नहीं है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से भाजपा सरकार गौ माता के और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती आती, आप देखते हो सैकड़ों पशु आए दिन जिले के ही अंदर मेन हाईवे मुख्य मार्गों में दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इनसे तो ये अपनी ज़िंदगी से तो परेशान है, बेजुबान जानवर अपनी दर्द को बयां नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ये तो परेशान है ही किसान, व्यापारी, यातायात, तीनों चीज़ें, व्यवस्थाएँ परेशान हैं, सभी तीनों पर्सन परेशान हैं। तो ऐसी परेशानियों को लेकर मेरा निवेदन ये है कि अगर शासन प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जो सुविधा दी जाती है गौशाला में, मैंने अभी हाल ही में भिलकी गौशाला में गया था, मैंने देखा पूरा भंडारण खाली पड़ा था। आप एक गौशाला है, अभी 13 गौशाले जिले में बने, जिसमें 202 ध्वस्त हो चुके, 11 गौशाले हैं जो कि खाली पड़े। अब इन्हें आपने जेल की तरह बंदी बना दिया, भूखे मर जाते हैं। आए दिन आप जानकारी लें, हर तीसरे दिन, दूसरे दिन 2-4-6 पशु वहाँ भूख की वजह से मर जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते। अरे बेजुबान जानवर हैं, वो हमसे नहीं बया कर सकते, हम तो इंसान के नाते उनका दर्द समझ सकते हैं ना। दूध खाना हो तो आपको ओरिजिनल चाहिए, हर चीज़ें व्यवस्थाएं लेनी ओरिजिनल चाहिए, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। आप छपास और झपास की राजनीति करते हैं, मात्र बेजुबान जिंदगी, बेजुबान जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। नहीं तो इसमें जो है तो सरकार बस गलती जो है, सरकार की अगर आप ठहराएं तो कैसे, सिर्फ उसी बस की गलती कैसे आप ठहरा सकते हैं? बिल्कुल ठहरा सकते हैं, मैं जहां खड़ा हूं तो इनकी ही जिम्मेदारी बनती है। जब शासन द्वारा योजनाएं दी जाती हैं तो इन पशुओं को सही सुनिश्चित व्यवस्थाएँ क्यों नहीं मिल पाती? खान पान की बात कर रहा हूँ, गौशालाएं की बात कर रहा हूँ, हर मुहैया दी जाती, आपको महीने की पेमेंट कम पड़ जाती, आप पशुओं का भी अधिकार हनन कर लेते हैं। दूसरी चीज, जो पशु मालिक हैं, उन पशु मालिकों के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं करते ग्राम पंचायत? आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज एक्सीडेंट में आवारा पशुओं की वजह से खत्म हो गए थे, हाईवे में एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटना का शिकार हुए। उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, आदेश ये जारी किया था कि अब कोई भी आवारा पशु जिस क्षेत्र में पाया गया तो उस क्षेत्र का ग्राम सचिव, जो भी अधिकारी होंगे और प्लस थाना प्रभारी, उनको सीधे निलंबित किया जाएगा, आप उसकी आदेश कॉपी भी निकलवा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है किसी भी गांव में? बताएं, मुख्य मार्ग से लेकर खेत से लेकर सब परेशान है। मेरी सारी ये बिंदुवार सारी जिम्मेदारियां मैंने 6 बिंदुओं पर मार्क की है, और बाकायदा वो आ जाए तो ठीक है, नहीं ये मेरा एक छोटा नमूना है। आगामी आने वाले समय में यहाँ इतना भी नहीं बचेगा पैर रखने के लिए स्थान, बच जाए आवारा पशु। नहीं, आप जो है ये बताइए कि आए दिन ये समस्या बनी हुई है, ये आज ही के दिन की नहीं, लगभग ये कई सालों से देखा जा रहा है, 2-3 सालों से ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। इसका जो रीज़न है खास, वो ये है कि जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो आवारा की तरह उन्हें छोड़ दिया जाता है, फसलें खाती हैं। तो इस पर ग्राम पंचायत के सरपंच का भी अधिकार बनता है कि वहाँ भी एक बेड़ा बने और इनको बिड़वाया जाए, पूरी व्यवस्था कि इस पर कोई पहल आपकी? बिल्कुल, इसमें मैंने बिंदु पर बकायदा इसमें दर्ज किया है, हर पंचायत में सरशासन द्वारा यह कहा गया कि हर पंचायत में गौशाला बनेगा, गौशाला निर्माण किया जाए और बाड़े का निर्माण किया जाए, बाड़े में वहां सरपंच सचिव द्वारा रखवाया जाए खान पान। लेकिन आज 10% भी बाड़े गांव में नहीं कंप्लीट है, ये सारे बिंदु मैंने बकायदा लिख लिया है। इसके पहले आपने दिया? इसके पहले मैंने बकायदा, आज साल भर से मैं चिल्ला रहा हूँ, सब कुछ कागज में कंप्लीट है लेकिन जमीन में कहीं नहीं है, यही सारी चीजें हैं। तो अब आपका आखिरी फैसला क्या करना चाह रहे हैं? एक डेमो है, आज जहां पर आप खड़े हैं और मैं खड़ा हूं, और मेरे जो आवारा पशु हैं
वो खड़े हैं जो हैं यहाँ, तो उनको आज लेकर मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। डेमो यानी आप नमूना, एक छोटी फील्डिंग देख सकते हैं, बड़ा ग्राउंड तो आगे भी देखने को मिलेगा, बड़ी स्ट्राइक। मुझे इसके लिए आर्य पार की लड़ाई लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, आपको जो भी करना है करते रहिए, लेकिन मैं बेजुबानों के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त, किसी भी प्रकार से अत्याचार नहीं सहूंगा। ये कहाँ से आप पशु इतना कहाँ से लेके? ये आवारा पशु हैं, कोई रोड पे छोड़ दिया, कोई मुख्य मार्गों में छोड़ दिया, ये सभी आवारा पशु हैं, ऐसे हैं। इस तरीके के पशु आप लाए हैं, खास किसी पंचायत से नहीं? नो, किसी पंचायत से नहीं, नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग जो बैठे हुए थे, जो एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, जिनके द्वारा छोड़ा गया है, वही पशु हैं सब। जी, तो ये नमूना देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर दिखाएंगे हम आपको करीब से कि यहाँ पर आप लोगों को पशु जो है दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, आप लोगों को देखने को मिल पा रहा होगा कि पेड़ पौधे लगाए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से इनको यहाँ पर लाया गया है, जिसके चलते जो है कुछ पेड़ पौधों का भी नुकसान होगा, लेकिन क्या इनकी भूख नहीं है? क्या इन्हें पानी की आवश्यकता नहीं है? क्या इन्हें घास की आवश्यकता नहीं है? क्या भूसे की आवश्यकता नहीं है? अगर इनके लिए भूसा दिया जाता है तो आखिर में कहाँ जाता है? क्या लगता है कि इंसानों के लिए अगर दाना और पानी की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, तो इन्हें तो दो वक्त के लिए सिर्फ दाना और भूसा चाहिए? क्या इनको ये नहीं मिल पाएगा? सरकार अगर यहाँ पर लाके अगर मुद्दा बनाया जाए, अगर देखा जाए, तो आए दिन गौशाला का निर्माण हो रहा, लेकिन उस पर दाना और पानी कहाँ चला जाता है? उसका भूसा कहाँ चला जाता है? देखा ये जाता है, आए दिन देखा जा रहा कि गड्ढों में मरने के बाद दफनाया जाता है, चिन्हित भी नहीं किया जाता कि यहाँ पर मवेशी जो है इस टाइम पर कम हो चुके हैं, क्योंकि अगर जितने ये मवेशी दिखाएंगे उसके अनुसार उनका पैसा भी ज़्यादा आएगा, इसलिए जो है तो चिन्हित भी नहीं किया जाता कि इनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई और ये मृत हो चुके हैं। लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज़ पर ऐसी खास खबरों के लिए। आगे देखते हैं कि आखिर में होता क्या है। जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिला पंचायत कार्यालय के अंदर इस तरीके के मवेशी जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल पा रहे हैं। बने रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ पर, मैं रवि कुमार पांडे कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ, नमस्कार, जय हिंद। पहली बार मुलाकात हो चुकी है और मैं चाहता था जिला सीओ साहब से मुलाकात। सीओ साहब अपनी आने वाले हैं, अगर आप जिला सीओ साहब को आप बुलवा दें, मैं उनसे संतुष्ट बन जाएंगे। गुरुवार को मैं थक चुका हूँ वीसी से, तो आप लोग वीसी जनता का रोकना है। एक बजे कितने बजे खत्म हो? आप उन्हें बोले 10 मिनट के लिए समय दे चाहिए, जानकारी कई बार दिया पंचायतों को लेकर, मैं कई बार मामलों को लेकर दिया और किसी भी मामले को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, है ना। तो मेरा निवेदन है कि पशुओं की समस्या गंभीर है, गंभीर समस्याओं के लिए और वो आश्वस्त करें कि जितने भी गौशाले बने हैं उन गौशालों में अपनी व्यवस्थाएं क्या दी, वह सिर्फ जेल के बंदियों के, वो तो बंदियों से भी बदतर है। मैंने हाल ही में भी गया था 2 दिन पहले मिल्की वाले में, पूरा गोडाउन खाली पड़ा। मैंने उससे पूछा कितने दिन में आए, उसने बोला कि भाई साहब अगर मेरे को सूचित करना पड़े 4 दिन लग जाते हैं, वो 4 दिन भूखे प्यासे 200 जानवर पड़ेंगे, मर जाते हैं, नाला फलवा के रखे उसमें डलवा के माटी डलवा दे। मेरी कई बिंदु है, कई बिंदुओं पर मैं पहली बात करूँगी व्यक्तिगत। मैं पहले ऐसे ही मैंने शायद कार्रवाई के लिए दे, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ठीक है, गौशालाओं में स्थिति ठीक नहीं है। मैंने तो कई बार शायद कार्रवाई के लिए भी आप लोगों के लिए आया होगा, जब मैं SDM था मैं तो दिखाऊँ अपनी तरफ। बाकी आप अगर पर्टिकुलर स्थित गौशाला की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सभी गौशालाओं की, उसके सिवा अभी गौशाला की बात नहीं, आप जानकारी में गोदाम अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके सिवा में एक और चीज़ आपने देखा होगा, हर पंचायत में गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृति 10%।